गर्मी आणि उकाड्यामुळे हैराण झालेल्या विदर्भातील नागरिकांना इतक्यात दिलासा मिळण्याची शक्यता नसल्याची माहिती नागपूर प्रादेशिक हवामान विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. तर सध्या मान्सूनचे आगमन लांबल्याने पुढील 2 ते 3 दिवस विदर्भाच्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये हीट वेव्हचा इशारा देण्यात आलाय. केरळमध्ये मान्सून निर्धारित वेळेच्या 3 दिवस अगोदर दाखल झाला असला तरी विदर्भात मात्र 16 जूनला मान्सूनचे आगमन होईल अशी शक्यता हवामान विभागाचे संचालक मोहनलाल साऊ यांनी वर्तवली आहे. या दरम्यान मान्सूनपूर्व पावसाची शक्यता देखील त्यांनी वर्तवली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून विदर्भाच्या अनेक जिल्ह्यात दिवसाचे तापमान 45 ते 46 अंश सेल्सिअस इतके नोंदवले जात आहे. तर रात्री देखील उष्ण वारे वाहत असल्याने तापमानाचा पारा सामान्यापेक्षा 5 डिग्रीने वाढलेला आहे. त्यामुळे कूलर आणि वातानुकूलित ACसुद्धा काम करत नसल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे प्रत्येकाचे डोळे पावसाच्या आगमनाकडे लागलेले आहेत. VKB न्यूजसाठी कॅमेरा पर्सन रोशन बोकडेसह वैदेही चव्हाण यांची रिपोर्ट. अभी हम डिले नहीं बोल सकते क्योंकि अभी हमारा तो सामान्य डेट जो है वो 10 से विदर्भ में आने का मानसून आने का 10 से 15 जून है. नागपुर का तो 16 जून का डेट है तो अभी 16 जून में काफ़ी टाइम है. अभी 10 दिन का टाइम है तो इसलिए अभी हम बोल नहीं सकते कि अभी कोई डिले हुआ है. अभी मानसून अपने सामान्य टाइम पर आ सकती है उसके लिए हमें भी वेट करना है. अभी फिलहाल कोई अनुकूल परिस्थितियां नहीं है कि अगले 5-6 दिन में मानसून यहाँ पर आ जाए. एक मानसून जो होता है वो एक ग्लोबल फिनोमिना होता है. वो अकेले मतलब भारत में ही उसका एरिया नहीं होता है. मानसून के जो क्षेत्र है उसमें ऑस्ट्रेलिया से लेके साउथ एशियन बहुत सारी कंट्रीज है और अफ्रीका है, ये सारे कंट्री आते हैं. तो इसका जो सर्कुलेशन होता है, जो विंड का सर्कुलेशन होता है, ये अफ्रीका के पास से शुरू होता है. वहाँ पे मेडागास्कर में हाई बनता है और वहाँ से क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो जिसको हम लोग सोमाली जेट बोलते हैं वो इक्वेटर से मतलब जो है भूमध्य रेखा से पार होके भारत में आती है. तो हमारे जो 2 ब्रांच है, एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच है जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी आती है और दूसरा जो मेडागास्कर साइड से आती है वो अरबियन सी ब्रांच है. ये 2 ब्रांच में मानसून का एडवांस होता है और ये दोनों ब्रांच जो है पल्सेस में आगे बढ़ती है, मतलब लगातार आगे नहीं बढ़ती है. एक बार जो पल्स आएगा उसमें कुछ एरिया में हो जाता है, फिर थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, फिर दूसरा पल्स आता है तो फिर और आगे बढ़ता है. तो पहले पल्स में जो था वो हमारा केरला और कर्नाटका और तमिलनाडु का कुछ पार्ट ये कवर हो चुका है. अभी सेकंड पल्स जो है वो बनने के लिए अनुकूल परिस्थिति अभी नहीं आ रही है. अगर वो जो मेडागास्कर में हाई जो होता है वो थोड़ा स्ट्रांग होगा और इक्वेटोरियल फ्लो जो है वो बढ़ेगा तब जाके हमारे यहाँ पे जब सेकंड इस पे पल्स आएगा तो फिर मानसून और आगे बढ़ के महाराष्ट्र आंध्रा यहाँ तक बढ़ेगा. सर फिलहाल हीट वेव की स्थिति बनी हुई है नागपुर सहित विदर्भ में और शाम के समय भी गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है, तो कब तक ये कम होगा और क्या वजह इसके पीछे? हाँ बिल्कुल सही है कि रात को भी हमको गर्मी से अभी राहत नहीं मिल रही है, दिन में तो गर्मी है ही है. और इसका कारण ये है कि अभी जो है हीट वेव के साथ साथ में वार्म नाइट ये कंडीशन विदर्भ में चल रही है. वार्म नाइट मतलब होता है कि जो मिनिमम टेम्परेचर जो होता है वो सामान्य से 5 से 6 डिग्री ऊपर होता है. तो अभी नागपुर और आसपास के एरिया में वार्म नाइट भी है तो ये 2 तरीके की वार्मिंग चल रही है यहाँ पे. तो वार्म नाइट होने के कारण रात को हमको ठंडक नहीं मिल रही है और दिन में जो है हीट वेव के कारण गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, 45 से ऊपर टेम्परेचर चल रहा है. ये परिस्थिति अभी 2-3 दिन तक रहने की संभावना है. उसके बाद 2 दिन के बाद विदर्भ में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी शुरू हो जाएगी ऐसी संभावना बन रही है. लेकिन मानसून के लिए कितना वेट करना पड़ेगा? और मानसून के लिए अभी तो फिलहाल कोई ऐसा डेट फिक्स नहीं बता सकते हैं, लेकिन अभी जो हम जो 5 दिन का फोरकास्ट देते हैं उसमें कोई अनुकूल परिस्थिति नहीं है मानसून के लिए, उससे आगे ही बढ़ेगा. बॉस ने मीटिंग बुलाई. क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो. जनाब तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है. बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर. कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com.